हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है आपके पास प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 का क्लास टेंथ मैथ का पेपर है और ये मैथ आपका बेसिक मैथ। तो मैथ आपके पास दो टाइप में आएगा, यानी कि एक बेसिक मैथ और एक स्टैंडर्ड मैथ, और दोनों का लेवल आपका अलग अलग होगा। पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट का है आज 28 अक्टूबर का। तो ध्यान से देखेंगे कि बेसिक मैथ का पेपर किस तरह से आया है और स्टैंडर्ड मैथ का भी वीडियो आपको अपलोड हो चुका है। आप दोनों को समझ सकते हैं कि कितना अंतर दोनों के पेपर में, दोनों पेपर में आया है। 90 मिनट का पेपर है और ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले आप जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें देख लीजिए। सामान्य निर्देश, 50 प्रश्न होंगे आपके MCQ टाइप के और इसमें तीन खंडों में, यानी कि ABC 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहले में 20 क्वेश्चंस में 16 करने हैं, दूसरे में भी, बी में भी आपको 20 में से 16 करने हैं, एंड देन सी में आपको केस स्टडी से रिलेटेड दो केस स्टडी होंगे 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर में से आपको 8 करने हैं। टोटल की बात करें तो 16 एंड 8 आपको टोटल आपको 40 मार्क्स का रहेगा और प्रत्येक जो प्रश्न है आपका वो 1 मार्क्स का होगा। साथ ही आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं रहेगी। चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसे आने वाला है, साथ ही जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसकी भी एक आपको तैयारी हो जाएगी कि कैसे आप सेट हो जाएंगे कि पेपर कैसे आने वाला है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर दिखाऊँगा सेक्शन 1। चलिए तो ये आपका सेक्शन ए और इसमें आपको 20 में से आपको 16 करने हैं और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला सवाल, कितने दशमलव स्थानों के बाद, ये संख्या दे रखी है आपको, तो दशमलव का प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे आप इसे देखेंगे, मैं आपको आंसर अभी नहीं शेयर करूँगा, आंसर की वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड हो जाएगी। फिलहाल आप चेक कीजिए कि पेपर आपको किस तरह से आने वाला है। उसके बाद दूसरा सवाल है, तीसरा, चौथा और स्टैंडर्ड मैथ का भी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि एक अंतर आप समझ सको कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में कितना अंतर आने वाला है। और 6-7 पेपर आपका इजी ही है, नॉर्मल पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी आप ज़रूर बताएंगे कि आपको पेपर टफ लग रहा है या इजी लग रहा है पूरा पेपर देखने के बाद। चलिए यहाँ पर आप 12, 13, 14, 15 सारे आप सवाल देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो स्पीड में लग रही हो तो इसे स्लो कर सकते हैं आप, और स्लो हो तो आप इसे स्पीड भी कर सकते हैं। और ये आपका 20 यानी कि 20 प्रश्न आपको ए सेक्शन से, अब हमारे पास बी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर भी आपको 20 में से आपको 16 करने हैं और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, साथ में आपको ट्रायंगल दे रखा है तो आप इसे देखेंगे चांदे की मदद से। चलिए 27, 28 ध्यान से समझें, वीडियो को स्लो और फास्ट अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेपर का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि पेपर किस तरह आपके पास प्री बोर्ड मॉर्निंग शिफ्ट का आने वाला है और इसी तरह से आपके पास जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी, आप इसे लॉजिक मतलब समझ सकते हैं कि पेपर आपको कितना टफ और ईजी होने वाला है, ताकि आप इससे तैयारी कर सकें। और जो आपका 38 से जो 40 क्वेश्चंस हैं आपके पास कारण और अभिकथन वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चार में से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर चार आपको ये स्टेटमेंट आपको यहाँ से देखना है। पहला आपका कि ए और आर का संबंध जो है ना, वो आपको इन्हीं चारों में से देखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से होंगे और उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। तो अभी कथन 38 वाला और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, तो आपको ए और आर को ऊपर से समझना होगा और सभी के लिए ऊपर ही सेम रहेगा। उसके बाद देखो 39 वाला और ये रहेगा आपका 40। तो तीन सवाल आपके पास अभी कथन वाले हैं। उसके बाद हमारा चलता है सी सेक्शन। सी सेक्शन में आपको केस स्टडी वाले सवाल होंगे और यहाँ पर आपको दो केस स्टडी है, तो प्रश्न 10 हैं, करने 8 हैं, यानी कि जो एक केस स्टडी है वो आपका 5 नंबर का होगा, 5 प्रश्न होंगे लेकिन आपको 4 ही करने हैं।
अब यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में, और उसके बाद आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए यहाँ पर 41, 42, 43, 44 और 45, पांचों में से आपको कोई भी एक छोड़ सकते हैं, तो चार आपको करने ही करने हैं। उसके बाद हमारा दूसरा केस स्टडी स्टार्ट हो जाता है, और इससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं, और साथ में ग्राफ तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो पांच सवाल हैं इनके आपको आंसर देने हैं। तो 46 का आप देख सकते हैं, 47, 48, 49 और 50। तो इस तरह से ये आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं। कैसा लगा आपको, कितना टफ है, कितना आसान लगा आपको, और बेसिक और स्टैंडर्ड में कितना अंतर है? बेसिक ज़्यादा टफ है, ज़्यादा ईजी है, या स्टैंडर्ड ज़्यादा टफ है, या दोनों लगभग समान हैं? तो आपको क्या लगा दोनों पेपर देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। इसकी जो आंसर की है वो इवनिंग तक आपके लिए अपलोड हो जाएगी। चलिए नई वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।